नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। पीसीएस एडुकेयर के डेली स्टडी प्रोग्राम में मैं चंद्रवर्धन आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। 100 दिनों का यह कार्यक्रम बीपीएससी, सीडीपीओ, बिहार एसआई, बीएसएससी तथा बिहार के हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज संडे है तो आज हम करेंगे सिर्फ रिवीजन। यह मैं बताऊंगा कि आज क्या क्या रिवीजन करना है, लेकिन उससे पहले चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए, साथ ही लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। तो आज संडे है इसलिए आज हम लोग कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे, आज सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करेंगे। जी हाँ दोस्तों, रिवीजन का बहुत ही ज़्यादा महत्व है जब हम पढ़ाई करते हैं। और 3 दिन का आपका कार्यक्रम पूरा हो चुका है तो आज संडे है, 11 बजे, अब से थोड़ी देर के बाद करंट अफेयर्स आने वाला है 1 जुलाई का, तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखेंगे और पढ़ेंगे। उसके बाद जीएस का टेस्ट सीरीज आज आने वाला है, इतिहास का वो टेस्ट सीरीज होगा जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे और 15 सेकंड के टाइमर के साथ आपको आंसर देना होगा। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन उसके बाद आपको मिलेगा और उससे पूरे एक्सप्लेनेशन को सुन करके आप कम से कम 50 पॉइंट ऐसा याद कर पाएंगे जो परीक्षा के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो रात 8 बजे जरूर हमसे जुड़िए। इसके अलावा अब देख लेते हैं कि डे 1 में हमारा टारगेट क्या था। डे 1 में हम लोगों ने पढ़ा था लूसेंट से प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत से सिंधु सभ्यता तक पेज 1 से 4 और संविधान के इतिहास से विदेशी स्रोत तक पेज 1 से 4। उसके बाद सेकेंड डे हमारा आया और उस दिन हम लोगों ने वैदिक सभ्यता से बौद्ध धर्म और जैन धर्म तक पेज 5 से 8 तक पढ़ा और संविधान की अनुसूची से लेकर नागरिकता तक पॉइंट 5 से 9 तक पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है, तो ये आप लोगों ने लूसेंट से पढ़ा था डे 2 में, आपको याद होगा मेरे हिसाब से। डे 3 में हम लोगों ने पढ़ा था मगध से मौर्य साम्राज्य तक पॉइंट 13 से लेकर 15 तक, और उसके बाद संविधान में हम लोगों ने पढ़ा था यानी कि पॉलिटी में पढ़ा था मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। तो शुरुआत से लेकर यहाँ तक आपका सारा हो चुका है। पॉइंट 11 तक लूसेंट में आप पढ़ चुके हैं और उधर पॉइंट 15 तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, बिहार के बारे में देखें तो बिहार स्पेशल में हम लोगों ने पहले दिन पढ़ा था अध्याय 1 का पेज 1 से लेकर 12 तक। ठीक है, उसके बाद सेकेंड डे में हम लोगों ने पढ़ा था बिहार ऐतिहासिक संपदा अध्याय 1 पेज 12 से लेकर 16 तक। प्राचीन बिहार का जो इतिहास है वह हम लोगों ने समाप्त कर दिया था दूसरे दिन। यदि आप लोग नए जुड़े हैं तो याद कर लीजिए। तीसरे दिन हम लोगों ने देखा था पेज 16 से लेकर 22 तक अध्याय 1 का ही, जिसमें पूर्व मध्यकालीन बिहार जो है वो शेर शाह सूरी तक समाप्त हो गया था और अब हमें आगे मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। ठीक है, करेंट अफेयर्स में हम लोगों ने क्या किया था, एडिटोरियल एनालिसिस सुना हम लोगों ने 3 दिन का, वैसे संडे को आया नहीं होगा, खैर जो भी हो। करेंट अफेयर्स जो है वो आज से शुरू हो रहा है, 1 जुलाई का आज मैं देने वाला हूँ, और जनवरी का करेंट अफेयर्स हम लोगों ने पढ़ा है 3 दिन तक। तो करेंट अफेयर्स का जनवरी का टेस्ट होगा कल रात 8 बजे, यानी कि हर सोमवार रात 8 बजे जो भी हम लोग सप्ताह भर में करेंट अफेयर्स पढ़ेंगे उसका टेस्ट होगा, और संडे को जीएस का टेस्ट होगा रात 8 बजे। दोनों टेस्ट रात 8 बजे होंगे, तो रेडी रहिए, तैयार रहिए और हौसला बनाए रखिए। इसी के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि चैनल पर पुराने सदस्य हैं तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए, साथ ही बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।